बोलो श्री निदानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करुण सुप्रेम अशुभ हरमन करुण दनीश देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री महाराज स्वाम तेज कुमार श्याम युग पल पल करो प्रणाम पल करो प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी आज दोपहर की मीटिंग श्री राजीव राय के श्रृंगार का स्वरूप का वर्णन कुछ हुआ था और अब श्यामा महारानी जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन उनके चरण कमलों से हमारा क्या संबंध है, क्या संसार के भगवान और भगत का बनाता है या कुछ और है, क्योंकि जब तक हकीकत का संबंध का पता नहीं चलता तभी तक किसी के प्रति भी दर्द हृदय में उत्पन्न होता नहीं, और जब पता चल जाता है कि भाई इनसे हमारा क्या संबंध है तो फिर उसके लिए कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही उसके लिए दिल में दर्द निर्माण। जैसे मानो हम रोड पे जा रहे हैं तो दो भाई लड़ रहे हैं, हम कहें चल यार चलो आगे बढ़ो, क्या जरूरत है हमें झंझट में पड़ने की, और फिर देखें कि इनमें मेरा भाई खड़ा लड़ रहा है तो फिर आगे कहने की जरूरत नहीं होती कि हमें करना क्या है। इसी तरह से आज जिनको श्री राज जी के श्यामा जी के स्वरूप का श्रृंगार का और अपनी निस्बत का इटले संबंध का पता नहीं है, वही सुंदर साथ लापरवाह होकर संसार के उस माया में हम इतने डूबे हैं, और जब ये पता चल जाए कि ये क्या है कौन है और इनसे हमारा संबंध क्या है निश्चित करके दिल के अंदर ये बातें बैठने के बाद हमारी वो रहनी जो बार बार कहा जाता है कि रहनी करनी चाहिए, रहनी में आना चाहिए, तो रहनी का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक चीज का आना, तो तभी आता है जब उसकी रियलिटी का असल स्वरूप का असल हकीकत का पता चलता है। तो आओ बड़े प्यार के साथ श्री महामति कहे अपनी रूह को तुम जो अरवाह अरश शराब प्याले इश्क के लियो प्याले पर प्याले सरस लियो श्री ठकराणी जी को पहला श्रृंगार मंगलाचरण। वर्णन करूं बड़ी रूह की रूहें इन अंग का नूर अरवाहें अरश में वहदत सो सब इनका जहूर के ऐ सुंदर साहब जी बड़ी रूप का अर्थात श्यामा महारानी का वर्णन हम सब रूहें जिनके अंग हैं वे और श्यामा जी ये परमधाम में वाहिदत है। हम वाहिदत वाहिदत कहते हैं, वाहिदत कभी पूछी जाए भी वाहिदत क्या है तो हम क्या बोल देते हैं, मूल मिला हुआ है वही वाहिदत है, अब पता लग रहा है वाहिदत क्या है। श्यामा जी अने 12,000 रूहें जो हैं ये एक अंग होने के कारण से इनको क्या कहा है वाहिदत का स्वरूप है,
और फिर श्री राजी महाराज अक्षरातीत की हकीकत क्या है और ये वाहदत कहां है? अर्श में वाहदत है, यहां वाहदत नहीं है। अर्श की खिलवत में हक की ये वाहदत है और फिर अर्श में हकीकत है लेकिन हकीकत की लीला नहीं। वो हकीकत क्या है? वो अक्षय ब्रह्म श्री राजी महाराज का जो साहिबी का स्वरूप है उसको जो है हकीकत का है। और अब चिदगन स्वरूप श्री राजी महाराज का और वहदत और हकीकत मिला के ये सब क्या है इसको माफक कहते हैं। तो इस समय अर्श की वहदत क्या है? प्लेस का नाम वहदत नहीं। अगर केवल हम मूल मिलावे को वहदत कहते हैं तो फिर क्या परम धाम में द्वैतवाद है? बाकी 25 पक्ष अगर मूल मिलावा ही वहदत है तो फिर परम धाम सारा क्या है? वहदत का मतलब है जहां स्वरूप का एक रूप है वो वहदत। तो वो वहदत क्या है? बड़ी रूह श्यामा जी और इनका नूर अंग से जो आगे रूहे हैं ये मिल करके एक वहदत एक दिली है। ध्यान के साथ, राज्य के दिल में वहदत नहीं है क्योंकि उनके अंदर सत भी है, आनंद भी है और चिदगन भी है। इसलिए जो वहदत कही है वो अर्श हाक के अर्श में वहदत कही है और कहीं नहीं वहदत कही, हाक के अर्श में। अर्श के अंदर जो है वहां पर जो है वहदत है। अब उसके बाद क्या है? हकीकत है और मार्फत है। लेकिन आज वर्णन जो है वहदत क्या है श्री राजी महाराज के नूर से अर्थात आनंद अंग से श्यामा जी हैं और श्यामा जी के अंग जो है वो 12,000 रूहे हैं। इस वास्ते उनके जो मन का स्वरूप है जिस तरह से सागर और सागर की लहरें होती हैं तो श्यामा जी श्री राजी महाराज के आनंद का एक सागर है और जो लहरें हैं वो सागर से बाहर तो नहीं हो सकती। अगर कोई लहर को बाहर निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है? वो लहरें और जो सागर का वन ऐसे एक स्वरूप है वो सागर के अंदर ही लहरें हैं। कोई चाहे कि सागर को और लहरों को जुदा कर दें तो वो कैसे हो सकता है? इसी तरह से श्यामा जी और हम रूहें जो परम धाम की हैं, हम लहरें हैं और वो हमारे सागर का स्वरूप है, वो हमारे अंदर है और हम उनका स्वरूप है, इसको वहदत कहते हैं। इसको कहते हैं वर्णस जो परम धाम की वहदत है। वर्णन करूं बड़ी रूह की एक बात, रूहे इन अंग का नूर अरवाहे, अरवाहे इटले रूहे, अरवाहों को, रूहों को जो है हम सुंदरतात को, सुंदरतात कह लो, रूहे कह लो, सखियां कह लो, अरवाहें कह लो, ये सब किन का नूर है, किन का अंग है? ये श्यामा महाराज जी के है। और श्यामा जी किन के नूर है? श्री राम जी के। हम उनके नूर नहीं है, हम आनंद अंग से केवल रिलेटेड हैं। श्री राम जी महाराज के सत और चितगन से, चितगन से तो सारा परम धाम है, हमारा संबंध श्री राजी महाराज के आनंद अंग से है। इसलिए हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी किन का अंग है? सत चिद आनंद, जो श्री राजी महाराज का निज आनंद है वो श्यामा जी है। जो रोज कहते हैं ना निज आनंद निज आनंद निज आनंद, तो ये आनंद का हो सकता। इसलिए जो है यहां भी उसको आके ये जो निजानंद शब्द जाहिर हुआ है ये कोई संसारिक शब्द नहीं है। अक्षातीत पार ब्रह्म के आनंद का स्वरूप श्यामा जी
और हमारा आनंद श्यामा जी है, इसलिए हम कौन हैं? निरानंदी। ये स्वरूप परम धाम की वहदत का है, जहां पर हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी हमारे रोम रोम में उन्हीं का स्वरूप जो है। एक सागर और सागर की लहरों के समान हमारा वो सन्मंत है जो आज वर्णन होने जा रहा है। अरवाहे अर्श में वहदत सो सब इनका जहूर, जहूर मैंने उन्हीं का स्वरूप है। श्री महामती जी बड़ी रूह श्यामा जी की साहबी का वर्णन करती हैं, 12,000 रूहें इनके नूर के अंग हैं, परम धाम में ये सब एक दिल हैं, ये सब शोभा इनकी है जो वैदत है। अब आगे चलिए। अब इंद्रावती जी कहती, हे श्री राज जी महाराज, अब हम यहां कहां आ गए? राज्य महाराज की हकीकत के हुक्म बन के अधीन हो गए। अब हम यहां किसके आ गए? उनकी हकीकत यानी अक्षरब्रह्म के धाम के राज्य के अंदर जो है, हम सत अंग के राज में इस समय आ गए हैं। इसलिए अब श्यामा जी से मिलना है या श्यामा जी के चरणों में रहना है तो श्यामा जी हमारा यहां कुछ नहीं कर सकते। विनती किससे करनी पड़ेगी? राज्य महाराज से कि हे मेरे धनी, आप तो जानते हो कि हम श्यामा जी के अंग हैं और वो हमारे प्राण हैं, इसलिए कृपा करो इन चरणों से हमें कभी भी जुदा करना। यहां परमधाम में तो राजी नहीं कर सकते, ना श्यामा जी कर सकते हैं, लेकिन हम जब हकीकत में उतर आए हैं, जुदाईगी में आ गए हैं, जहां आनंद है वहां सत्ता नहीं, और जहां सत्ता है वहां आनंद की लीला परम धाम की यहां कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन्न। अगर तो पहले चरण का अर्थ करोगे अर्थ निकलेगा नहीं। दो चरण श्यामा महारानी जी के, लेकिन अधि किससे करनी है? धनिये ए ना छुड़ायो छिन्न। हे मेरे धाम के धनी श्री राज जी महाराज, श्री श्यामा जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ और श्री राज जी से विनती करती हूँ कि हे मेरे धनी, मुझसे श्यामा महाराज जी के कभी चरणों से मुझे जुदा न करना, उनसे छुड़ाना नहीं। ये दर्द है, ये नाता है परम धाम के उस अनंत अंग का, जो आज इतनी दुनिया है ना, और इस दुनिया के अंदर हजारों लाखों धर्म हैं, लाखों के लाखों सारे वर्णन करते हैं। कोई तो बताए पार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कोई तो बताए कि वहां पर लीला आनंद की क्या है, कोई तो बताए कि वो आनंद की लीला करने वाले कौन हैं। वो आके इस फर्श पर, इस मिटने वाले संसार में, इसीलिए जब इंद्रावती जी पहले वर्णन शुरू में ही रास में करते हैं तो कहते हो राज जी महाराज, कुछ तो सोचा होता है, आप तो सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, क्या ये मलेच्छ दुनिया जहां पर इतना नरक है, जहां पे कोई माया से आगे बढ़ना ही नहीं जाता, और जानते भी सारे दुनिया वाले हैं कि जो कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं मरते समय इनमें से एक सुई भी हमारे साथ जाने नहीं। सामान तो क्या जाएगा, जिस शरीर के लिए हम 24 घंटे बस जिस धरती पर बैठे हो, किसकी चिंता है? बस बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए, और ये मिट्टी है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है, फिर किसके लिए हम संसार में मर रहे हैं? कौन सोचेगा, किसको इसकी लगेगी? कभी बैठ के एकांत में आदमी सोचे हम किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर नथिंग, जो बिल्कुल मिथ्या है। इनमें से कुछ भी एंड में हमारे साथ चलने वाला नहीं है। फिर जिस शरीर की हमें चिंता है, हर वक्त हार्ट की चिंता है, ब्रेन की चिंता है, ये चिंता है, वो चिंता है, हर वक्त पता नहीं कितने कितने यहां लॉबियां खुली हुई हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। क्या ये साथ जाएगा? इसलिए कहो राजी महाराज, नहीं कहवानी माया मां आवानी,
राजी कहते हैं कहनी पड़ेगी, साथ है माटे के कि जो परम धाम की आत्माएं हैं यदि उनके सामने अब यहां पर परम धाम के सुख, परम धाम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, उनकी चरण कमल, परम धाम का वो श्रृंगार, परम धाम के 25 पक्षों के सुखों का वर्णन नहीं करोगे तो वो कंपैरिजन किससे करेंगे। एक आदमी एक चीज को तभी छोड़ेगा जब उससे कहीं मोर देन सुपीरियर और प्रॉफिटेबल कोई चीज सामने रखोगे तो तुरंत तो उसको छोड़ेगा। तो जब रुकें इस वाणी के द्वारा माया को और परम धाम को, यहां के रिश्तेदारों को और श्यामा जी और राज्य को, क्योंकि परम धाम में हमारा सम्मान किससे है, श्यामा जी और राज्य से, जब उसकी तुलना करेंगे तब उनको आएगा कि इनमें से हम सारी उम्र लगे भी रहेंगे तो किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना, और जिनसे हमारा मूल संबंध है और आज हम तोड़ के बैठे हुए हैं वो कभी भी हमें छोड़ सकते नहीं, वो कभी भी हमसे जुदा ही नहीं होने वाले हैं। इसलिए अब इंद्रावती जी कहते हैं मेरे राज्य महाराज, ये जो चरण श्यामा महारानी जी के हैं जिनसे हमारी ये निस्बत है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, यही मांगती हूं है मेरे धनी, इन चरणों से मुझे कभी भी जुदा धनिये ए ना छुड़ाइयो। ये जो है एक पलक छिन, मैंने एक पलक के बाद से भी श्यामा महारानी जी के चरण कमल जो है वो मेरी आंखों से, मेरे हृदय से, हे मेरे धाम के धनी, कभी भी अलग ये जुदा आप ना करना। क्यों लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन, कि वो श्यामा महारानी जी के चरण कमल और उनके चरण कमलों के नीचे लाक और तली जो है यही मेरे एक जीने का सहारा है। उनके दर्शन यदि वो स्वरूप और उनके चरण कमल मेरे हृदय में है तो फिर मुझे यहां संसार भी कुछ भारी नहीं होगा, और यदि वो चरण कमल और वो जहां हमारा जीवन है, जो मेरे जीव का जीवन, जीव किसको कहते हैं, यहां जीने का सहारा हमारे प्राण जिसको जीव कहते हैं, एक जीव जो है इस संसार में यदि कोई अब इसको पार कर सकता है, जिसके सहारे से मेरा जीव जी सकता है, फिर आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ओ राजी महाराज ए श्यामा जी के चरण कमल और इनके चरणों की वो सुख जो लाक है नीचे तली की शोभा है जो इस जीव का जीवन है, यदि वो यहां मिलता रहेगा तो फिर हमें किसी बात की कमी नहीं। इस वास्ते है मेरे धाम के धनी लाक तले लाल एड़िया मेरे जीव के एही जीवन। अब सोचिए कि हमने अपने जीने का सहारा श्री राज जी के चरण कमल बनाए हैं, या के जीने का संसार जो है संसार और संसार के सगे मिथ्या को बनाए। जब ये कंपैरिजन करेंगे तो समझ हर एक को है कि यदि वडिल मुरब्बी हमारे जब मरे थे तो हम उनके साथ नहीं जा सके, तो आज ये मेरे वाले भी कोई भी मेरे साथ जा नहीं सकेगा, और जिन चरणों से अब मेरा संबंध जाहिर हो रहा है छुटकायो छूटे। राज जी भी चाहे, श्यामा जी भी चाहे कि इन चरणों से हमें को जुदा करे, कर नहीं सकते, पर माया के डरती हुई इंद्रावती कहती है राज जी महाराज तुम्हारे से मैं अब और क्या मांगू, मुझे संसार नहीं चाहिए ना मुझे माया चाहिए, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मंगा करके यही चीज मांगती हूं, क्योंकि मेरे प्राण जो है, मेरा संबंध जो है वो श्यामा जी के ही चरण कमलों से है, इसलिए है मेरे धनी इन चरणों से जो है और इन चरणों के लाक लाक तली एड़िया पिया मैं पाऊं कैसे, ये जो है कभी भी इनके चरणों से मुझे अलग करके
मेरे जीने का जो सहारा अब बन गया है वो कभी मेरे से छुड़ाना नहीं। अब चरणों की शोभा का वर्णन इंद्रावती कर रही है कि हे मेरे धाम धनी, हे मेरे सुंदर साथ जी, सिफत नख कहूं के अंगुरियों। अब वो श्यामा महारानी जी के चरणों की शोभा की सिफत जो है, वो उंगलियों की शोभा का क्या वर्णन करूं, नखों का क्या वर्णन करूं, और उंगलियां ये संसार की क्या उंगलियां हैं, ये तो रक्त मीन मिजा हड्डियों से बना हुआ शरीर होता है। अब स्वामी जी आगे चल के कहते हो सुंदर साथ, ये वर्णन कर दिया है तो ये ना समझना कि ये आदमी जैसा जो है वर्णन कर रहे हैं तो शायद परमधाम में भी आदमी जैसा ही तन होगा। डोंट थिंक, कभी भी ये दिल में भाव लाना नहीं। वहां क्या है कि यहां तो पांच तत्वों के बने हुए हमारे शरीर हैं, जिसमें क्या क्या नरक गठर भर रखा है ये इस वर्णन क्या करें। हड्डियां हैं कितनी सख्त हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, कितनी नसें हैं, खून चलता है, नरक चलता है, लेकिन वहां पर तत्व केवल एक है और नूरमय। नूरमय तत्व का क्या वर्णन है कि वहां जहां जैसा चाहिए वैसा ही वो बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी कोमलता ही है, नरमाई है, सुगंधी है, तेज है, अनादि है, कभी भी घटबड़ होने वाला वो स्वरूप ही नहीं है। इसलिए उस नूर के स्वरूप को देखने के वास्ते ये नैना क्या देखेंगी, आत्म की नजर, क्यों इसके द्वारा ही ये इसका संबंध जो है आत्म का वो उनके साथ, हमाम रूहों का संबंध किनके साथ है, उन चरणों के साथ है। ऊपर की छपे को याद रखो, इस वास्ते यदि वो स्वरूप लेना है, राज्य के स्वरूप को देखना है, आत्म की जो है दृष्टि खुलने पर ही वो स्वरूप श्रृंगार हृदय में आकर के खड़ा होता है। फिर क्या कहा, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, धनी की मेहर बहुत है, अखंड अनेक, पर भी लगा है आगे, पर अंतर आखा खोल सी ए सुख सुई। वही सबके लिए नहीं कहा, भले वो परमधाम की आत्म है, जब तक वो अपने अंदर के आत्म की नजर नहीं खुलती, भी ये है क्या अर्थ, थिंक ओवर नहीं करता कि हम किसके लिए जीवन दिन रात लगे चले जाए, लगे जाओ, मना करने नहीं है, पर थोड़ा ब्रेक लगा के, रेड बत्ती भी तो आती कभी, रेड बत्ती है सामने, ब्रेक लगा लो, सोच तो लो, कर क्या रहे, जीवन गंवा दिया है ना, और बाकी चलने वाला है किसके लिए, कौन है। आज ये है जो हमारे असल आत्म, ये जब ये थिंकिंग आती है ना, इसी को आत्म की नजर खुलना है। और जो आदमी नहीं सोचता है, नहीं थिंक ओवर करता है, कभी दिन में बात लेता ही नहीं है, कभी तो बैठ के आदमी सोचे कि आखिर है क्या, फिर देखो उस दिन से थोड़ा अंतर पड़ना ऑटोमेटिक। थिंकिंग से जब विचार अंदर आ जाता है तो असत्य से हट करके सत्य का स्वरूप हृदय में आना शुरू हो जाता है। जैसे हम कहीं भी घर में हों तो जो हमारे जॉब का बचा हुआ काम है वो रात को घूमता है, क्योंकि उसकी चिंता रहती है, और जब ये स्वरूप हृदय में आ जाएगा तो रात को चितवन ना करोगे तो भी चिंतन के साथ यश राज्य महाराज का स्वरूप कैसा है, कैसा श्रृंगार है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल कैसे हैं, कैसी लांक है, कैसे उनकी तली है। अब इंद्रावती कहती हूँ सुंदर साहब जी, अब चरण कमलों के सबसे पहले उंगलियां जो हैं उनका कैसे वर्णन करूं कि वो नूर स्वरूप कैसे है, कैसी सेटिंग के साथ अंगूठे के साथ उतरती हुई वो उंगलियां हैं, और किस तरह से उनके नख नूर के हैं, यहाँ के नहीं है कि भाई रोज काटना पड़ेगा और घिसना पड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसके रंग बदलने पड़ेंगे कि जैसी साड़ी हो वैसा ही इसको भी रंग दो, तो ये वो परम धाम का स्वरूप है। अब उनके नखों का वर्णन, फिर नखों के तेज का वर्णन, फिर वो स्वरूप के सुंदरता के शोभा का वर्णन, फिर उंगलियों का वर्णन, फिर उंगलियों के ऊपर फना पंजे का वर्णन, क्या है और क्या शोभा है, ये वर्णन से नहीं, ये आत्म की दृष्टि से ही देखते बनता है।
सिफत नख कहूं के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर टाकन पहुंचे के ऊपर जो टखने हैं कि अब उनका वर्णन करूं मैं क्या क्या कह के आपको बताऊं। कहूं कोमलता ये सब जो कुछ कह दिया है, नाख कहा है, उंगलियां कही हैं, फना कहा है, इनकी अब जो कोमलता है वो स्वामी जी कहते हैं कितनी कोमल है, जरा अपनी आत्म को चरणों से लगा के देखो। वो वर्णन मैं किस जुबान से जो है, इंद्रावती जी कहते हैं मैं कैसे जो है वर्णन करके बताऊं। कहूं कोमलता किन जुबान, इस जुबान से कैसे वर्णन करूं, या वो जुबान मैं कहां से लाऊं जिससे मैं उन चरणों की शोभा का वर्णन करके सुंदर साहब के वास्ते जो है बताऊं कि सुंदर साहब जी हमारे जो प्राण है, जो हमारा जीवन है, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हम एक पल जुदा नहीं हो सकते, जिन चरणों से ही हमें सब सुख परम धाम के मिलते हैं, अब वो क्या है, किस जुबान से वर्णन करके तुम्हें इस दुनिया के अंदर मैं बताऊं। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीने का सहारा यदि है तो श्री राजजी महाराज, श्यामा जी महारानी के ये चरण कमल हैं, जो हमारे यहाँ पर प्राण है, जीना है और हमारा जो सहारा है। रंग नरमाई सलूकी अर्श अंग चरण, अब ये कहाँ के चरण हैं, दुनिया के नहीं, ये चरण कमल कौन से हैं, अर्श के चरणों का वर्णन हो रहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि ये सुंदर साहब जी उनका रंग, फिर उनकी सलूकी, सलूकी मैंने बनावट समझे, सलूकी किसको कहते हैं, बनावट कैसी बनी हुई है, और फिर वो नरम कैसे हैं, ये अर्श अंग के चरण, राज्य महाराज के अर्श के चरण कमल हैं। बले बले जाऊं बस यही हो सकता है, स्वामी जी कहते मैं देखती हूं तो बस दिल में यही है कि इन चरणों पर मैं वारी वारी जाऊं, बलि बहार हो जाऊं, बस और वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अर्श का वो नूर, फिर ये नूर के चरण कमल, फिर इनके अंदर नरमाई, फिर इनकी सलूकी, सलूकी इतले किस ढंग से वो चरण कमल के बने हुए हैं ये वर्णन नहीं हो सकता। क्यों, बाले बाले जाऊं देख देख के मेरे जीव के यही जीवन, और अब इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। क्या हम कहते हैं ना हमारी बातुनी नजर नहीं खोल, अब ये बातूनी नजर कैसे खुल सकती है, उसका मेथड है कि यदि बातूनी नजर खोलना चाहते हो तो श्री राजी श्यामा जी के चरण कमलों को हर वक्त हृदय में ध्यान रखो, जब ये जुड़ जाएगा तो आत्म की नजर खुल जाएगी। ये है उनसे बता रहे कि हे मेरे धाम के धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों, अलना वालों निरखू नेत्रे अपने नैनों से देखते देखते देखती ही मैं रह जाऊं, एक पलक के लिए भी मेरी नजर मेरा ध्यान वालों मैंने हटाऊं मैं। हे मेरे धाम धनी मैं क्या अर्ज करती हूं कि इन चरणों से जो है मेरी आत्म की नजर जो है एक पल के वास्ते भी इधर उधर कभी हटा नहीं देना, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि ये चरण कमल क्या है, यही मेरे जीने का अब सहारा दुनिया में है, यही मेरे जीव के जीवन है। चारों जोड़े चरण के, अब निकालो अर्थ क्या निकालो, परंदा में चार जोड़े आठ पांव है क्या, अरे बड़े रस की बात है, इसको ठीक है लिखवा दिया राज्य महाराज ने, उस समय पता नहीं क्या तो अकल ही नहीं काम करती कैसे अर्थ लिखे गए, मतलब चार चरण कमलों के दो जोड़े, राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल, चरण चार तो जोड़े तो दो है ना, लिख क्या दिया चारों जोड़े चरण, 64 थम्भ
करो क्या करो, ऐसी प्यार भरी ढंग से बातें लिख दी हैं कि जो अरवाह अर्श की होगी अपने आप समझ जाएंगे, और दुनिया वाले समझ पढ़ते भी रहेंगे उनके पल्ले कुछ पड़े भी। ये है वाणी, ये है वाणी। अब चारों जोड़े, चार जोड़े थोड़े हैं ब्रह्मधाम में, तो चारों चरण कमलों के दो जोड़े, एक जोड़ा श्री राजीव राय के चरण कमलों का और एक श्यामा जी के। ये जो चरण कमल थे राजी महाराज, वो मेरे धाम के दुल्हा तुम्हारे चरण कमलों के जो जोड़ हैं, ये युगल चरण जो हैं, ये कभी मेरे हृदय से हटने नहीं चाहिए। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछिया रोशन। अब श्यामा जी के चरण कमलों में क्या है, अनवट बिछुआ श्यामा जी को विषय के राज्य महाराज के चरण कमलों में, और इन चरण कमलों में अब ऊपर आ गया ना उंगलियों के फाने के ऊपर अगला भाग जो यहां होता है चरण कमलों में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि राज्य के चरण कमलों में क्या है, अनवट बिछुआ नहीं है। और बिछुए क्या होते हैं, अगली उंगलियों में पहने जाते हैं, बहने पहनती है, और उसके ऊपर जो है तारे, जब कोई लड़की की शादी होती है ना, ये श्रृंगार हम उस समय उनको कराते हैं, उधर तो होता है अब इधर का मुझे नहीं पता, एक पांव में कड़ा बांध देते हैं तो पांचों उंगलियों से तारे जुड़ती है ना, उसको कहते हैं अनवट। तो बिछुआ कहते हैं जो उंगलियों में, जो पग की उंगलियों में बहने पहनती है, वो श्यामा जी के चरण कमलों में बिछिए और फिर अनवट, वो आकर के टखने के साथ नीचे जो है ना झांझरी घूंगरी उसके साथ जो है बंधा हुआ है, ये ऊपर की शोभा का वर्णन इस तरह से श्यामा, वर्णन किसका हो रहा है, श्यामा महारानी जी के चरण कमल का। अब उसका जो है और राज्य के चरण कमलों में थोड़ा अंतर बताते हुए कि कभी ये ना समझ लेना कि राजीव राय के चरण कमलों में भी अनवट बिछुआ पहना हुआ है, इसलिए चारों जोड़े कहने पड़े कि ये जो दो चरण कमल राज्य के और दो श्यामा, कहते हो ना चितवन कैसे होता है, ये चितवन है। अब राजीव राज और श्यामा जी के चरण कमल नूर की चौकी पर है, अब उसका ध्यान लेना है कि चरणों की बनावट श्लोक की एक जैसी है, लेकिन अंतर थोड़ा सा ऊपर से किसको देख के शीर्ष से देखेंगे कि अनवट और बिछिए जो हैं ये श्यामा जी के विषय अधिक है, और चारों जोड़े बिल्कुल दोनों चरण कमल उनके दोनों चरण कमल एक जैसे एक स्वरूप एक नूर, क्योंकि राज्य का ही अंग जो हृदय का नूर है उसी के ये चरण कमल हैं, कुछ भी अंतर उनमें नहीं। चारों जोड़े चरण के और अनवट बिछुआ रोशन, बानी मीठी नरमाई जोत धरे। कौन, अनवट और बिछुए जब श्यामा जी चलते हैं तो इनकी घुंघरियां बजती हैं जो राज्य के चरण कमलों में नहीं, ये विशेष। जब श्यामा जी चलते हैं तो जो इनके अनवट बिछुए में चलने पर आवाज आती है वो राज्य के नहीं, ये उनका जय कि हे राज्य महाराज, इनकी मीठी ध्वनि जब वो चरण कमल श्यामा जी रखते हैं तो किस जुबान से वर्णन करूं कि सारा अर्श जो है उनके इस चरण कमलों की मीठी आवाज के लिए तरसता रहता है कि कब श्यामा जी महारानी चरण कमल रखें और उनके अनवट बिच्छू की जो आवाज मधुर मिठास है वो निकले और वो सारे परमधाम में गूंज उठती, और सारा परमधाम पशु पक्षी जो है और वहां की खूब खुशहाली जो है वो क्या है, वो श्यामा जी का सत अंग है। ये शिविर के अंदर तारतम प्रणाली का क्या है कि राज्य मराय का सत छिद अनंत हम सब जानते हैं, तो श्यामा जी का सत छिद अनंत क्या है, कदम आगे बस कदम, फिर जरा रूहों का सत्यचित आनंद क्या है, तो फिर खूब खुशहालियों का सत्यचित आनंद क्या है, उसके बाद फिर अक्षर का सत्यचित आनंद क्या है, अक्षर के सत स्वरूप का सत्यचित आनंद क्या है,
फिर उनके केवल ब्रह्म का सत्चिद आनंद क्या है, फिर सबलिक का सत्चिद आनंद क्या है, और फिर अव्यक्त का क्या सत्चिद आनंद है, तो फिर आदि नारायण का क्या सत्चिद आनंद है, फिर आगे उनके त्रैगुण स्वरूप जो है उनका क्या सत्चिद आनंद है, फिर हमारा अपना शरीर यहाँ का है तो इसका भी तो सत्चिद आनंद है। ये है तारतम प्रणाली का के परम धाम का सारा पशु पक्षी जाना हम कहेंगे तो राज्य के अंग हैं, अंग अवश्य राज्य के हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है, श्यामा जी के चरण कमल है। क्यों? क्योंकि लीला आनंद की कौन करेगा, परम धाम में सारा इश्क ही इश्क है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, तो किनके चरणों से है, श्यामा जी के चरणों से। इसलिए सारा परम धाम श्यामा जी के चरण कमलों की, ये जो अनवट और बिछुआ ये विशेष आवाज राज्य के चरणों में नहीं है, झांझरे घुंघरे कांबे कर लो उधर भी है, और झांझरे घुंघरे कांबे कर लो इधर भी है, लेकिन जो अनवट बिछुआ है वह तो राज्य ने नहीं पहन रखा ना, ये वो मिठास का वर्णन है कि मेरा राज्य महाराज आज हम तरस गए हैं उस मधुर आवाज को सुनने के लिए, जब वो चरण कमल जो मेरे जीव के जीवन है जिनमें इस तरह से अनवट बिछुए हैं और जिनकी कैसी रस भरी मिठास की आवाज थी आज वो कैसे सुने, इसलिए हे धनी यही मेरे जीव का जीवन, मेरे रूह के कान जो हैं आज उस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे, क्योंकि वही आवाज मेरी रूह के जीव के जीवन, एक एक चीज की शोभा का वर्णन, मेरी आत्म के प्राण है और वो मेरा जीव का जीवन है। वाणी मीठी नरमाई ज्योत धरे, ये जो मीठी वाणी वो है उसमें क्या है कि ऐसी एक अजब ज्योत है, एक ऐसी उसकी आवाज है, क्योंकि इनके समान और कोई भूषण ना राज्य का है ना किसी और का, इसलिए जो है ये अनवट बिछुए की नरमाई, और वो जब श्यामा जी चरण कमल रखते हैं धरती पर और उनके जब चलने से अनवट बिछुआ में आवाज आती है, वो मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन है मेरे प्राणों से भी प्यारे। श्यामा महारानी जी जब मुझे एक पल के लिए भी अब नहीं छोड़ना मुझे, क्यों, मैं पाई मेहर महबूब की, क्या मतलब, कोई मतलब का बताना, क्यों भाई क्या बात क्या है, मैं पाई मेरे महबूब की, क्या वर्णन, हे श्यामा महारानी अब ये चरण कमल जो है मेरे से छुड़ाना नहीं, क्यों, मैंने ये महबूब श्री राजीव राय की मेहर से पाए, ये जो तेरे चरण कमल है मेरी श्यामा महारानी मिले है ना, ये मेरे कुछ करने से नहीं मिले, ये मेरे महबूब की मेहर, महबूब कौन है, श्री राजी महाराज, उनकी मेहर हुई है और हमें श्यामा महारानी जी के ये चरण कमल मिले हैं। अब अर्जी श्यामा जी से कर रहे कि हे श्यामा महारानी ऐसी कृपा बनाए रखना कि अब आपके चरण कमल जो है मेरे हिये से जुटा ना हो, और फिर महबूब की राज्य ने बड़ी मेहर की है मेरे ऊपर कि मुझे आपके चरण कमल दिए हैं, अब ये मेरे से छुड़ाना ना, पहले तो वैसे कहा कि धनियों धनी से अर्जी की कि हे मेरे राज्य महाराज ये चरण कमल मेरे से छुड़ाना नहीं, अब शर्मा जी से अर्जी कर रहे हैं कि हे इन रात्रि के आतम कि मेरे श्यामा महारानी
ये चरण कमल जो है ना, आप ना छुड़ाना मेरे से, क्योंकि मैं पाई मेहर महबूब से। मतलब क्या कि राजी महाराज की मेहर हुई मेरे ऊपर, क्या मेहर हुई कि ये जो मुझे प्राप्त हुए है ना चरण कमल, ये महबूब की मेहर से, उनकी मेहर से जो है मुझे चरण कमल आपके मिले हैं, ये मेरे से छुड़ाना ना, क्योंकि यही मेरे जीव के जीवन, मेरी आत्म का जीना जो है, मेरा प्राण जो है, ये आपके चरण कमल है इसलिए। और फिर मुझे मिले हैं तो राज्य महाराज की मेहर से मिले हैं इसलिए। श्यामा महारानी, अगर कोई संसार में ऐसी भूल भी हो जाए कदाच, तो उससे होके चरण ना छुड़ा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धनी की मेहर से मुझे आपके चरण कमल मिले हैं और हमारा सम्मान इन चरणों से है इसलिए ये चरण छुड़ाना नहीं। ए चरण पुतलियां नैन की, अब इनमें चरणों को रखूं कहां, जैसे नैनों की पुतलियां कभी भी नैनों से जुदा, नैन की पुतली कभी जुदा हो सकती है। कहते हैं राजी महाराज, हे श्यामा महारानी, ये चरण क्या है, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए क्या है, मेरे नैनों की पुतलियां हैं। पर नहीं, पुतलियों के भी फिर अंदर जो तारे हैं ना, मैं उनके अंदर तेरे चरणों को रख लूं और ऊपर से आंखों को बंद कर लूं, ताकि ये कहीं जाए नहीं और कोई देखे भी नहीं कि मेरे नैनों में क्या है। ये है आत्म का दर्द। ए चरण पुतलियां नैन की, इस वास्ते मैं रखूं कहां, सो मैं राखूं बीच तारन, आंखें फिर पुतलियां, और पुतलियों के अंदर जो होते हैं तारे, मैं वहां पर जो है हे श्यामा महारानी इन चरण कमलों को रख लूं, पकड़ राखूं पल ढांप के, क्या करूं मैं, कैसे पकड़ के रखूंगी कि पलकों से दबा लूंगी, ना मैं पलक खोलूंगी और ना तो मेरे चरणों से बाहर जाऊंगी। जब मैं पलकों के अंदर ही इन चरणों को दबा के बैठ जाऊंगी तो फिर तो मेरे नैनों से आप बाहर नहीं ना जाओगे। पकड़ राखूं पल ढांप के, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे मीठे मीठड़े आत्म के, हे श्यामा महारानी, ये मुझे कितने चरण कमल मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, खाली मुझे ही नहीं प्यारे लगते, मेरी आत्म को भी प्यारे लगते हैं। सो चुभ रहे अंतस करण, इसलिए मेरे रोम रोम के अंदर, अंतस्करण क्या होता है, मन चित बुद्ध और मेरा अहंकार का जो स्वरूप है, उसमें अब ये चरण कमल क्या है, चुभ रहे हैं, क्या मतलब बैठ गए हैं, अब ये स्वरूप जो है मेरे नैनों में, मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरी बुद्ध में, ये जो है बैठ गया है। सो चुभ रहे अंतसकरण, ये चरण कमल मेरी आत्मा को बहुत ही मीठे प्यारे लगते हैं और मेरी रूह की नजर से हृदय में चुभ गए, हृदय में आके विराजमान हो गए हैं। रू लागी मीठी नजरों, अब जब मेरे हृदय में आके बैठ गए हैं तो मेरी आत्म जो है मीठी नजर के साथ, मीठी नजर प्यार भरी नजर के साथ जो है इनको देख रहे हैं, मेरी रूह की नजर को ये मीठे लगते हैं और अब ये मेरे जीव के, क्यों, जब मेरी आत्म के अंदर आ गए और उसको इसका संबंध का पता चल गया कि है मेरी आत्म, तो इसी का अंग है, परम धाम अगर मिलना है तो इन्हीं चरणों से ही तुझे मिलना है, इसलिए है मेरा राज्य ये चरण जो हैं, जो अब मेरी आत्म के हृदय के आंखों के में आ गए हैं और यही मेरे जीव के जीवन है। ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आए वतन, और बात चलिए कि ये चरण कमल कहां से हैं, अर्श के हैं, परमधाम के हैं, और इनसे ही अर्श की खुशबू आनी, क्या मतलब कि इन चरणों की कृपा से ही हमें 25 पक्ष का जो सुख है वो मिलना है,
25 पक्ष का जो आनंद है वो कहां से मिलेगा? इन चरणों की कृपा से ही। जब ये चरण कमल नजर आते हैं तो मुझे सारा परम धाम जो है नजर आ जाता है कि इनकी कृपा से ही हम परम धाम में हैं। ये वो चरण कमल है जिनके हम अंग हैं और इनसे ही सारे परम धाम का क्या सुख है? इन चरणों से ही आनंद ही आनंद की लीला परम धाम है। अब देखते जाना जरा आगे क्या क्या लहरें निकलती हैं। इन चरणों से ही परम धाम खड़ा हुआ, क्योंकि सारे परम धाम की खुराक क्या है? आनंद ही आनंद है। तो सारा परम धाम की खुशबू आती है हमें इन चरणों से। क्या मतलब? कि जब ये चरण आ जाते हैं सामने तो पहले तो चरण नजर आते हैं, फिर चरणों से सनमंद मेरी आत्म का क्या है वो समझ में आता है, फिर इन चरणों से ही सारा परम धाम है, क्योंकि परम धाम में लीला कौन सी है? बोलो, आनंद ही आनंद की है। और वो आनंद के स्वरूप कौन है? श्यामा महारानी। और श्यामा जी की कृपा इन चरणों से ही सारा परम धाम है। इस वास्ते क्या कह रहे इंद्रादी के मेरे राज्य महाराज, इन चरणों में क्या खुशबू नजर आ रही है, क्या सुगंध आ रही है? इन्हीं चरणों में सारे परम धाम की सुगंधी नजर आती है, अर्थात उनका रूप नजर आता है कि ये वो चरण कमल हैं, दुनिया के नहीं हैं। ये वो चरण कमल हैं जिस अखंड परम धाम का सुख इस धरती पर किसी ने आए दिन तक वर्णन नहीं किया। वो श्यामा महारानी जी यहाँ आए, उनके चरण कमल आए तो सारे परम धाम का भी वर्णन इस जगह पर जो है आ गया। मेरे जीव के एही जीवन ए चरण कमल अर्श के, इनसे खुशबुए आवे वतन, ए तन बक्का अक्ष अजीम का। और फिर क्यों संवार रहे कि वो सुंदर सा इस चरण शब्द को सुन करके ये ना समझ लेना कि ये कोई परम यहां दुनिया के किसी आदमी का या किसी चरण का वर्णन हो रहा है। ये चरण कहाँ के हैं? अखंड परम धाम के, जहां नूर ही नूर और तेज है, जो आज दिन तक शब्दा तीत कहा था। अब खोलिए गीता, खोलिए भागवत, खोलिए वेद, खोलिए शास्त्र, तो अक्षर से परे शब्द ही क्या कह दिया है कि भाई वो आगे क्या है? अक्षरा तीत है, शब्दा तीत, अर्थात वो आगे अक्षर तक तो वर्णन है। अक्षर तक का क्या वर्णन कर दिया कि कूटस्तो अक्षरा उच्चते, वर्णन कर दिया। अव्याकृत का भी है वर्णन, शास्त्रों में सबलिक का भी है वर्णन, शास्त्रों में केवल और सत स्वरूप का भी है वर्णन, लेकिन फिर अक्षर से आगे कोई भी वर्णन है नहीं। इसलिए अक्षरा तीत, इसलिए शब्दा तीत। फिर उस शब्दातीत के अंदर भी जो शब्दातीत है, जागोगे तो भाई काम चलेगा, या तो फिर इसको अच्छा, ये बार बार मना करता था कि ये श्रृंगार ना सुनो, तुम्हारे से सुना नहीं जाएगा, ये बहुत दर्द की बात है। कि जिस परम धाम को आज दिन तक यही कहा गया वो अक्षरातीत है और वो शब्दातीत है, क्यों चार चीजें वर्णन करके फिर एक छुपा के रखी? नासूत कहा, मलकूत कहा, नहीं समझे? नासूत मृतलोक और मलकूत वैकुंठ और जबरूत अक्षरधाम और लाहूत परमधाम। एक चीज फिर छुपा गई ना, जहां ये चरण कमल है वो फिर छुपा के रख दिए। वो क्या है? हाहूत। अब हिंदी में समझो, ये मृतलोक है, आगे वैकुंठ है, फिर उसके आगे अक्षर और सारा योग माया का ब्रह्मांड है, और आगे परमधाम कह दिए। लेकिन चरण कमल परमधाम में कहां पर है? आगे वो मूल मिलावा जहां पर है, ये वो और आगे का शब्दातीत है। ये है वो तारतम का जो तारतम है, ये है वो गुज का जो गुज है। पर अब सुंदर साहद के वास्ते स्वामी जी आप इंद्रावती के आत्म कहते हो, सुंदर साहद जी उस गहराई से देखो कि क्या चीज संसार में उतरी हुई है और हम उसको छोड़कर और किसको न जानते।
हमें क्या 24 घंटे किसकी भूख लगी हुई है, किसके लिए हम दिन भर रात चिंतित और मरते फिरते हैं। और तुम्हारे इसी दुनिया में कई बार नहीं आ गए, और क्या आ गए हैं, उस अर्श के चरण कमल आ गए हैं जिस अर्श परम धाम को आज दिन तक कोई भी शब्द किसी ग्रंथ में, वेद ले लो तो क्या कह दिया, क्षात परा अक्षरा, बाद उसके बाद क्या कह दिया, अक्षात परतः परा इति परब्रह्मा।